दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को खाने में यह चीज कभी मत खिलाना। माँ दुर्गा होती है क्रोधित, पूरा घर हो जाता है बर्बाद। साथ ही साथ इस उम्र की कन्याएं ना हो। दोस्तों नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि पूजा या व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर सातवें और आठवें या फिर नौवें नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोग लगाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं तक का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बालक और बुजुर्ग महिला होना चाहिए, क्योंकि बालक के रूप में बजरंगबली को माना जाता है, तभी यह व्रत कन्या पूजन सफल होता है। दोस्तों ऐसे में हम ये जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को ऐसा क्या नहीं खिलाना चाहिए जिसके कारण माँ दुर्गा क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले है माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी भी धन वैभव एवं ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं दोस्तों। दोस्तों कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धोना चाहिए, फिर उनके पैरों पर महावर लगाना चाहिए, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाना चाहिए। इसके बाद उनके हाथों में मौली बांधे और माथे पर रोली का टीका लगाए। दुर्गा माँ को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्या को भी भोजन स्वरूप खिलाया जाता है। ऐसे में आप कन्याओं को दही जलेबी भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। इसी के साथ कन्याओं को लाल चुन्नी और बिंदिया चूड़ियां भी चढ़ाई जाती है। इस प्रकार विधि विधान से कन्याओं का पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों कई जगह कन्याओं को भोजन कराने वाले लोग आशीर्वाद स्वरूप उनके थपकी लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि कन्याओं के साथ एक लंगूर भी होना चाहिए। माना जाता है कि लंगूर यानी छोटे बालक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह बजरंग बली का रूप होता है। दोस्तों लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कन्याओं को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए, लगता है महापाप। माँ दुर्गा हो जाती है नाराज और पूरा घर हो जाता है बर्बाद। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों अक्सर कई लोग जाने अनजाने में बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगा कर कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, जो कि पूरी तरह से इसे पाप माना जाता है, और ऐसा खाना लहसुन प्याज का होता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। माता नाराज होती है और सारी जिंदगी भर कष्ट मिलते हैं। दोस्तों साथ ही साथ कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में भोजन कभी नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा उन्हें स्टील के बर्तन या पीतल के बर्तन या पत्तों के बने बर्तनों में ही भोजन खिलाना चाहिए, या फिर पत्तों के बने बर्तनों से ही भोजन खिलाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। कन्या जब वापस अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। ऐसा करने से यह व्रत पूरा होने का संपूर्ण और सफल समय माना जाता है। दोस्तों इससे माता रानी अति प्रसन्न होती है और देती है आपको वरदान। लेकिन याद रहे कन्या हमेशा आपके घर से खुश होकर ही अपने घर को प्रस्थान करें। आप लोगों में से कौन कौन चाहता है माता रानी को अपने घर पर बुलाना, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। माँ हमारे घर में जरूर पधारे। जय माता दी।